गरीबता में औषधि नहीं है। क्या कह रही हूँ लक्ष्मी की प्राणी को यहाँ पर ला सके तो लक्ष्मण जी के प्राण जीवित हो जाए। तो चिंता ना करो बेटा, तुमने क्या कहा हमारी सेना में कोई वीर? अरे हमारी सेना में तो महावीर है प्यारे वीर। क्या कह रहे हैं बेटा? भद्रा जी जो बता रहे हैं उस औषधि को तो हम ले ही आएंगे। अगर आपका आदेश मिल जाए तो रात्रि में आकाश में जो चंद्रमा प्रकाश करता है, संसार के लोग कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है। अगर आपका आदेश मिले तो इस चंद्र को पकड़ कपड़े की भांति निचोड़ू में इसका अमृत लेकर स्वामी श्री लक्ष्मण के मुख में छोड़ू में। और अगर चंद्रमा में अमृत कम पड़ गया, लक्ष्मण जी जीवित न हो पाए, तो ऐसा बताया जाता है कि पाताल में सर्पों की सुरक्षा में अमृत का कुंड भरा पड़ा। अगर आपका आदेश मिल जाए तो फौरन पाताल में जाए, उन सात सर्पों को हरे आऊ, श्री लखनलाल के जीवन को आप ले रहे हैं। वो औषधि ये लोखंड पृथ्वी के कौन से स्थान पर है? इस भूतल पर है या उस नभ में है, किसी पर्वत पर है या सागर में? लाएगा ये दास उसे जाकर, बस बताओ क्या है वो ब्रह्मा के घर में? बस बतला दो उसका रूप और रंग, वो स्थान बताओ कि किस ठौर हाथ बजाएगी श्री लहराई। अगर सही है तो मैं भुजा उठा करके कहता हूँ कि वो दिन के पहले आ जाएगी, दिन के पहले आ जाएगी, दिन के पहले आ जाएगी। हे महावीर, वो भूती औषधि तुम्हें दौरा पर्वत में मिल सकती है। भूती ज्वाला की तरह चमकती है और हनुमान भूती लाने में यदि सूर्य की एक भी किरण निकल आई तो लक्ष्मण जी के प्राण। भद्रा जी अभी आपकी चिंता नहीं है, ये अब हमारी चिंता है। प्रभु आप आदेश प्रदान करें। हे हनुमान प्रभु, हे माँ ये रूखे लाल, बड़ा गर्व करता हूं तुम्हारी पर हनुमान। हे हनुमान, आज राम की नैया मझधार में है, वही बात तो जानते, लेकिन मैं अपनी आत्मा से कहता हूँ मेरी नाव को केवल तुम ही खे सकते हो, संसार में और कोई दूसरा है नहीं। इसलिए हनुमान हे लाल, तुम समय का ध्यान देना, क्योंकि तुम्हें रात ही रात में वापस आना है। बस केवल यही कहना चाहता हूँ कि
रात ही रात में तुम उस औसत को लेकर मेरे समीप आ जाना मेरे भाई। चिंता न करें आप प्रभु, जाओ